तमिल सुपरस्टार चियन विक्रम, जिनकी आने वाली फिल्म पोनियन सेल्वन का आज टीजर रिलीज होने वाला था, उनके बारे में एक दुखद खबर है और खबर ये है कि उन्हें चेन्नई शहर के जाने माने अस्पताल कावेरी अस्पताल में एडमिट किया गया। उनके छाती में यानी कि चेस्ट में पेन हुआ और अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये खबर सुनते ही न केवल चेन्नई बल्कि पूरा भारत या पूरी दुनिया, जहां पर लोग चाहते हैं चियन विक्रम को, वो सत्ते में है। और मेरे हिसाब से चियन विक्रम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया एंड ही इज जस्ट 56 एंड उनके मैनेजर की तरफ से ये बयान आया है कि इस मसले को ज्यादा तूल ना दे, इन चीजों के बारे में बिना फिजूल रिपोर्टिंग ना की जाए, परिवार को सुकून दे, वक्त दे और उन्हें अपने हाल पर फिलहाल छोड़ दे जो सिचुएशन में है। एंड जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन अच्छी अपडेट ये है दोस्तों कि चियन विक्रम की हालत में सुधार है और उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पिछले साल दो साल में हमने कई सारे एक्टर्स, कई सारे लोगों को आसपास खोया है, इसलिए हर छोटी सी चीज हमें बहुत तकलीफ दे रही है और दिल की धड़कनें हमारी बढ़ा रही है। और हमारी भी दुआ है, प्लीज आप भी दुआ करिए चियन विक्रम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके पास कई सारी फिल्में हैं अलग अलग पड़ाव में, इसके अलावा कोबरा भी है और एक फिल्म है पीए रजनीत सर के साथ, और महान पिक्चर उनकी पिछली फिल्म मैंने देखी थी उनके बेटे के साथ ध्रुव विक्रम के साथ, जो मुझे काफी पसंद आई थी। एंड जस्ट प्रे फॉर हिम फॉर स्पीडी रिकवरी। चलिए फिर कितना है।